नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल। के दोस्तों, अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू इंटरेस्टिंग टैग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि 3 स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग को लेने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, और इसमें सारा फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M02S के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियलमी का C15 के बारे में, और उसके बाद मोटो F7 Plus के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इस वीडियो में मैं सारे जानकारी क्लियर आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा बेस्ट है। तो इस वीडियो की मदद से आप लोग देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में आप लोग को 10,000 के अंडर आप लोग के तीनों स्मार्टफोन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों में से किसी को एक अच्छा से आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, मैं बताऊंगा कि आप लोग को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M02 के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी M02S के फीचर के बारे में, तो फिर चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी M02S के फीचर, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, और इस स्मार्टफोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1600 आप लोग को रेजोल्यूशन मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M02S में। और उसके बाद बात करते हैं रियलमी का C15 के बारे में, तो उसमें फ्रेंड्स आप लोग को डिस्प्ले की बात करें तो उसमें मिल जाते हैं 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि HD+ डिस्प्ले रहेगा, और उसमें रैम और स्टोरेज की बात करें तो उसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आप लोग को उस स्मार्टफोन में मिल जाएगी। और वहीं मोटोरोला E20 Plus के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें भी 4 GB और 64 GB वेरिएंट के साथ वो मिल जाएगी। और इसमें प्रोसेसर की बात करें, इन तीनों ही स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी में प्रोसेसर की बात करें तो वेलकम Snapdragon 420 प्रोसेसर मिलने वाली है। और इसमें रियलमी C15 की बात करें तो उसमें मिल जाते हैं फ्रेंड्स आप लोग को MediaTek Helio G35 जो कि आप लोग को उसमें मिल जाते हैं। और इसमें डिस्प्ले की बात करें तो फ्रेंड्स LCD डिस्प्ले जो कि मिल जाते हैं, जो कि अच्छा माना नहीं जाता। और सैमसंग गैलेक्सी M02S में बात करें तो वही बात करते हैं फ्रेंड्स मोटो E7 Plus के बारे में, तो उसमें प्रोसेसर आप लोग को मिल जा रहे हैं। वही मोटोरोला E7 Plus के बारे में प्रोसेसर की बात करें तो उसमें वेलकम Snapdragon 460 प्रोसेसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तीनों में आप लोग को डिफरेंस पता चल ही गया होगा कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा क्या है। तो आप लोग वीडियो के कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, तीनों स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो आप लोग को बता दें कि तीनों स्मार्टफोन 10,000 अंडर के नीचे ही 10,000 के नीचे ही रेंज में मिल जाएगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स, अगर आप तीनों स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो किसी एक को ले सकते हैं, जो कि तीनों स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, जो कि बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो भी अच्छा है फ्रेंड्स, और इन तीनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खास आप लोग परफॉर्मेंस देने वाली है। तो फ्रेंड्स, प्राइस की बात करें तो चलिए प्राइस बता देते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M02S के बारे में, तो उसके प्राइस है 1 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट वाला 8,999 रुपये में आप लोग को मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और वही रियलमी के C15 की बात करें तो उसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट वाला स्मार्टफोन 9,400 रुपये में आप लोग को वो मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। वही मोटो E7 Plus के बारे में हम लोग बात करें तो वो 8,999 रुपये में, जो कि 4 GB 64 GB स्टोरेज के साथ आप लोग को बिल्कुल आसानी से आप लोग को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों स्मार्टफोन को अपने बजट के हिसाब से आप लोग खरीदना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं या कहीं से ऑनलाइन या मार्केट में, तो आप लोग इन तीनों स्मार्टफोन अपने बजट के हिसाब से आप लोग इस मोबाइल को आप लोग खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी न्यू इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में आप लोग का रिव्यू आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में, तब तक।